हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा ई मुद्रा के थ्रू। जैसे जो भी आप टोकन लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्या सेटिंग आपको करना पड़ेगा, फिर जब आप डॉक्यूमेंट में साइन करते हो तो वहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड का कुछ चीज़ होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो लगभग यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एडोब रीडर डीसी। तो देखिए, एडोब रीडर डीसी को सबसे पहले तो गूगल में आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर ले। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसका जो वेबसाइट है दिखेगा। ये एडोब का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए, एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी। तो ये आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब इंस्टॉल करेंगे तो साथ में इसको हटा लीजिएगा, क्योंकि ये साथ ही साथ ये मैकैफे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे चाहे तो आप इसे हटा लेंगे तो वो साथ में इंस्टॉल नहीं होगा, और इसे इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से जो है सॉफ्टवेयर दिखेगा। अब देखिए, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपने एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी आपने इंस्टॉल कर लिया। दूसरा स्टेप है, जहां से भी आपका डिजिटल सिग्नेचर इशू हुआ है, चाहे एनोड हो चाहे ई मुद्रा हो, तो देखिए वो आपको जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको जैसे पिन ड्राइव के फॉर्म में एक टोकन होता है वो वहां पे लगभग इंस्टॉल होता है। ठीक है, मतलब सारा प्रोसेस मतलब आपने कर लिया डिजिटल सिग्नेचर का, मतलब टोकन के अंदर जो वो होता है। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ई मुद्रा के थ्रू मैं किया हूँ, तो जैसे आपको सबसे पहले तो वो इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर पे इंसर्ट करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से प्रॉक्सी ऐसे कुछ आ जाएगा जी। इसका जैसे आप पेन ड्राइव जैसे जो है वो डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आइकन भी बन जाएगा, WD प्रॉक्सी। तो यहाँ पे देखिए, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है, मतलब इसे ओपन करके रखना है। तो जब ये ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ई मुद्रा का है, यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, कौन सा क्लास का सर्टिफिकेट है, आपका नाम किसके नाम पे इशू हुआ है, कौन सा क्लास का है, ई मुद्रा ने या इसे आपको इशू किया था, तो ये सारा कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पिन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप डिजिटल सिग्नेचर करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को तो वहाँ पे पिन देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कोई दूसरा भी तो आपका सिग्नेचर कर सकता है पेन ड्राइव लेकर, मतलब जो टोकन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर ये बहुत ही सेफ होता है, बस आपको पिन यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप पिन चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है करेंट वाला डाले और न्यू आप डाल सकते हैं। तो बस इसे आपको ओपन करके रखना है, जो भी आपको मिलेगा ये बस ओपन करके बस इसे साइड आप रख ले। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर ले जिस डॉक्यूमेंट में आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक आपको करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में यहाँ पे ओपन विथ में आपको चले जाना है, और देखिए यहाँ पे उसका राइट साइड में आ जा रहा है एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जो भी देखिए यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल हो जाएगा एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी, यहाँ पर डायरेक्टली ओपन करके जो लोकेशन में आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ से भी आप डायरेक्टली वहीं से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में राइट क्लिक करके करता हूँ, तो आपको जो बेहतर लगे आप वो कर ले। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी उस डॉक्यूमेंट पे हमारा खुल जाएगा। अब देखिए, अब कुछ ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करना चाहता हूँ। याद रखिए पीडीएफ के फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में देखिए टूल्स का यहाँ पे ऑप्शन है, इस टूल के ऑप्शन में बस आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है, देखिए नीचे में आपको सिग्नेचर दिखेगा, सर्टिफिकेट दिखेगा, इस सर्टिफिकेट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करें सर्टिफिकेट में तो फिर देखिए ऊपर में कुछ आ जाएगा डिजिटली साइन, तो इस डिजिटली साइन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका बस ड्रैग करने का जैसे कुछ आ जाएगा, तो आपको जिस प्लेस में आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है बस उसको ड्रैग कर लेना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, इतना जगह पे मेरे को चाहिए, तो ड्रैग करके बस छोड़ देना है। छोड़ेंगे तो कुछ प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेने के बाद जो आप जो USB डाले हो, जो टोकन जिसको बोलते हो, वो प्रोसेस लेगा, वो रीड करता है कि किस नाम से है क्या नहीं है, और वहाँ पे आपका आ जाएगा डायरेक्टली। तो जैसे मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा नाम पे इशूड बाई, देख सकते हैं यहाँ पे ई मुद्रा
सब CA फॉर क्लास 2 एक्सपायर 2021। तो ये मेरा अभी जैसे कि 2021 तक वैलिडिटी, अभी 2019 चल रहा है, 2 साल अभी है मेरा। अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स में भी देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल्स, जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्लिक करके, यहाँ पे देखिए सारा कुछ वही चीज़ है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट में आ रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड आपका कस्टमाइज फॉर्म है, यहाँ पे चाहे तो आप कोई भी आप लोगो या फिर अपना सिग्नेचर या अपना नाम बड़े अक्षरों में डाल सकते हैं, और राइट साइड में ये डिजिटली सही ऑटोमेटिक रहता है। लेफ्ट साइड को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट साइड वैसी रहेगा, इसमें टाइम स्टैम्प कौन से टाइम पे डेट सारा कुछ आ जाएगा। तो इसे आप किस तरीके से लेफ़्ट साइड को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसे भी मैं आपको बताता हूँ। बस आपको वहाँ पे देखिए ऊपर में राइट साइड में यहाँ पे एडिट में आपको क्लिक करना है। एडिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉ का ऑप्शन, इमेज का ऑप्शन। तो जैसे आप यहाँ पे अगर लोगो डालना चाहते हो तो इमेज के ऑप्शन में जाएंगे और ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जाने के बाद जिस लोकेशन में आपका डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कि लोगो होगा, उस लोगो को आपको बस सेलेक्ट कर लेना है, फिर वो लोगो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड आपका कस्टमाइज फॉर्म है। और यहाँ पे जैसे देखिए मैं ड्रॉ में क्लिक करता हूँ, ड्रॉ में क्लिक करने के बाद आप एक तरह से एज ए सिग्नेचर जैसे आप करते हैं उस फॉर्म में आप डाल सकते हो और साइन कर सकते हैं। देखिए कुछ आ गया इस तरीके से। तो लेफ्ट साइड आपका कस्टमाइज फॉर्म है और मैं यहाँ पे अप्लाई मतलब सेव में मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लोकेशन वगैरह, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं वहाँ पे क्लिक किया हूँ। तो देखिए फाइनली आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और देखिए यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन भी आएगा, लॉक डॉक्यूमेंट आफ्टर साइन इन। तो जब साइन हो जाएगा तो लॉक हो जाएगा डॉक्यूमेंट, कोई भी इस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए ओवरव्यू का ऑप्शन यहाँ पे फाइनली यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब फाइनली आपका होगा। अब मैं यहाँ पे साइन इन में जो यहाँ पे देखिए नीचे में है वो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। तो साइन में क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए कुछ प्रोसेस लेगा और अब आपको क्या करना है, फाइल सेव करना है, मतलब जो फाइल आपका बनेगा वो कुछ नाम से सेव कर ले। जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए सेव कर लेते हैं कोई नया फाइल, यहाँ पे DC नाम से चलिए हम सेव करते हैं और ओके कर दिए। और देखिए प्रोसेस लेगा, अब आपका यहाँ पे पिन मांगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन आपको देना है, पिन देने के बाद ही आपका यहाँ पे डिजिटली सिग्नेचर होगा जो कि बहुत ही सेफ है। ये पिन अगर आपका गलत होगा या पिन नहीं देंगे तो नहीं होगा डिजिटल सिग्नेचर, तो क्योंकि एक तरह से लीगल चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड डाल के यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे मेरा फाइनली हो गया है पासवर्ड देने के बाद। और यहाँ पे सारा कुछ डिटेल आ जाएगा, वहाँ पे कोई भी अगर क्लिक करेगा तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, हाँ कहाँ से इशू हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे फाइनली आपका डिजिटल सिग्नेचर कुछ इस तरीके से फाइनली आपको दिखेगा। तो ये है आपका फाइनल डिजिटल सिग्नेचर। देखिए लेफ्ट साइड में आपका ऐसा सिग्नेचर आ गया, चाहे तो लोगो भी रह सकता है यहाँ पे, और राइट साइड में वो है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि क्या करना होता है अगर डिजिटल सिग्नेचर अगर हम करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो Adobe Acrobat Reader DC डाउनलोड करें, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट से आपको मिलेगा, मतलब कि जो गवर्नमेंट बॉडी जो उसका होता है एसोसिएट, तो वहाँ पे eMudhra ने जो आपको दिया होगा बस आपको वहाँ पे लगा लेना है, और जो भी आपका पिन होगा वो डालने के बाद डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर कर लेना है। तो सिंपल प्रोसेस है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।